मैं और ऑलरेडी बहुत सालों से क्रिप्टो करेंसी भी करते आ रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी उनको तो बहुत अच्छा अवगाहना है, और बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं ये। और ये बाय प्रोफेशन पहले डिफेंस में काम करते थे, अभी फुल्ली ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सो मैं सुनील कुमार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ओवर टू यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू रमन सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सुनील है। एक बार कंफर्म करिए करिए कि मेरा आवाज क्लियर है और मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आवाज़ क्लियर है, हम आपको देख भी पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सो वंस अगेन गुड इवनिंग, और मेरा नाम सुनील है और मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। आज का जो सेशन है हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज फॉर बोथ पर्सन हु इज इन्वेस्टर एंड सेकंड वन इज नेटवर्कर। तो फर्स्ट पार्ट में हम इन्वेस्टर और नेटवर्कर दोनों के लिए बात करेंगे, एंड सेकंड पार्ट जो लोग नेटवर्किंग नहीं करना चाहते, जो लोग किसी एक भी बंदे को जोड़ नहीं सकते, वो सेकेंड पार्ट में लीव कर सकते हैं, और जिनको अच्छा लगे वो लास्ट तक कंटिन्यू रह सकते हैं। वैसे मैं आपको लास्ट में एक सरप्राइज दूंगा, अगर आप जो बंदा लास्ट तक बना रहेगा वो उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। वो तो क्या मिलेगा उसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जैसे ही मैं ये प्लान दिखाते जाऊंगा आपके मन में कुछ कुछ डाउट होते जाएंगे। उस सारे डाउट को आप क्या करिए, पेन और पेपर लेकर के और लिखते जाइए, और जैसे ही सेशन दोनों सेशन समाप्त होंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप जो भी आपकी क्यूरी है आप वो पूछ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। दिस इज क्रिप्टो डाटा डॉट कॉम वेबसाइट, और ये कंपनी है क्रिप्टो डाटा की जो रोमानिया बेस्ड है। और ये जैसा कि आप पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसकी फोर्थ मंजिला बिल्डिंग है, जमीन सहित कंपनी ऑन करती है, किसी और से रेंट पे नहीं ली हुई है। ये कंपनी स्टार्ट कब से हुई थी? ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2013 से। 2013 में ये कंपनी ने क्या किया था, पहले स्टार्टिंग में क्या किया था, ये माइनिंग डाटा सेंटर था क्रिप्टो डाटा का, जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ, और 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी यूरोप का सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर बना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग 2012 और 13 में बिटकॉइन के बारे में जानते थे, और जिन्होंने 2012 या 13 या 2009 से 1 लाख रुपए जिन्होंने बिटकॉइन इथेरियम और इसमें लोगों ने जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, आज के डेट में वो मतलब इंडिया से कहीं और जाके शिफ्ट हो गए। इतना पैसा है कि वो बताते भी नहीं कि मेरे पास कितना बिटकॉइन है। तो ये कंपनी का बैकग्राउंड तब से है जब जब से बिटकॉइन के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी भी नहीं थी, और ये माइनिंग डाटा सेंटर हुआ करता था 2013 में। एंड देन 2016 में इन्होंने वीओबीपी, वॉयस ओवर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल का आविष्कार किया। ये एक ऐसी आविष्कार थी जिसमें जैसे व्हाट्सएप से हम बात करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए भी वीओबीपी काम करता है। तो व्हाट्सएप में क्या होता है कि सारे डाटा एक जगह सिक्योर होते हैं, और जो भी व्हाट्सएप पे आप चैट करते हैं अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो सर्वर से वो 10 दिन पहले का या 6 महीने पहले का भी आपका चैट डिलीट करने के बावजूद भी उसको रिकवर किया जा सकता है। लेकिन वीओबीपी पे जो विस्पर करके एक एप्लीकेशन इन्होंने बनाया है, ये यहाँ पे जो भी आप चैटिंग करेंगे वो प्योरली सिक्योर्ड है, उसको कोई भेद नहीं सकता, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये दुनिया में सबसे पहले वीओबीपी की आविष्कार इस कंपनी ने की थी 2016 में, और 2018 में फर्स्ट सिक्योर्ड ब्लॉकचेन स्मार्टफोन लेके आए थे। ज्यादातर लोगों को ये चीज मालूम है कि ब्लॉकचेन पे जितनी भी चीजें आ रही हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर बन रही हैं, वो उसको कोई भेद नहीं सकता, वो सुरक्षित है। तो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल जो ब्लॉकचेन पे आया, मतलब उस मोबाइल से आपका डाटा सेफ है, आपका फोटो सेफ है, आप कोई इंटरनेट का ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी आप वॉलेट से, तो उससे कोई चोरी नहीं हो सकता। तो ये दुनिया में पहले, सबसे पहले दुबई में
आईएम पल्स K1 करके स्मार्टफोन को इन्होंने लॉन्च किया था 2018 में। उसके बाद 2019 में फर्स्ट सिक्योर्ड ब्लॉकचेन लैपटॉप लेके आए थे जिसका नाम आईएम पल्स K1 था, और ये भी ब्लॉकचेन पे बेस्ड था, तो ये भी काफी सेफ एंड सिक्योर है। कैसे सेफ एंड सिक्योर है उसके बारे में भी हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम डिस्कस करेंगे। 2020 में ये सिक्योर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अभी लास्ट वीक में मुंबई में कुछ ऑफिशियल्स आए थे, को फाउंडर आए थे मुंबई में, और वहां पे उन लोगों ने ये बताया कि ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टिंकर, जिसका नाम टिंकर है, रोमानिया की गवर्नमेंट ने हमारे क्रिप्टो डाटा के सीईओ ओबियो तोमा से बात करके और उनको ये बोला कि आपको ये कैसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेकर आइए लाइक जून जो कि सेफ एंड सिक्योर हो। तो इन लोगों ने बहुत ही कम समय में एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टिंकर का सॉफ्टवेयर बना दिया और उससे पूरे रोमानिया के जो स्कूल का और कॉलेज का जो भी कार्यक्रम था इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने किया। तो ये जैसे जूम पे हम अभी प्लान दिखा रहे हैं, बट जूम में बीच में कोई ना कोई घुस जाता है और उसको हैक कर सकता है या कोई अजीब तरीके आवाजें निकालता है, लेकिन टिंकर प्लेटफॉर्म पे जो रोमानिया में अभी लोग यूज कर रहे हैं उसमें इस तरह का कोई अनजान आदमी या कोई हैकर नहीं घुस सकता, ये इतना सेफ एंड सिक्योर है जस्ट लाइक जूम ही है। तो 2021 में ये बैंक ऑफ एनर्जी लेकर आए थे, और बैंक ऑफ एनर्जी का फायदा क्या है, जैसे अभी बहुत सारी कारें हैं जो इंडिया में, तो अभी इलेक्ट्रिक कार्स अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन फॉरेन में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज्यादा पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रिक कार को जब उसको चार्ज करना होता है तो लाइन में 15 मिनट 20 मिनट एक घंटा दो घंटा खड़ा रहना पड़ता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, बैंक ऑफ एनर्जी लेके आए जो कि पोर्टेबल है, आप यहां से ले लीजिए, आप चार्ज कर लीजिए अपने समय के हिसाब से, इसको चार्ज कर लीजिए, फिर वो वापस लाके रख दीजिए, दूसरा नया आप ले लीजिए। तो ये बैंक ऑफ एनर्जी ने लंच इन्होंने इस कंपनी ने 2021 में लंच किया बैंक ऑफ एनर्जी का, एंड 2022 में इन्होंने जिगजार करके एक प्लेटफॉर्म लेके आया जो यहाँ पे वेबसाइट पे आपको दिखेगा ये jigjarsoc.jigjar.net, ये एक प्लेटफॉर्म लेके आया जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाता है। अभी कंपनी के बारे में हम जान गए और कंपनी का प्रोफाइल के बारे में जान गए, तो हमको ये पता चल गया कि कंपनी 2013 से मार्केट में फिजिकली अवेलेबल है। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी फिजिकली अवेलेबल है तो क्या इसके प्रोडक्ट भी फिजिकल देते हैं, या बाकी जो क्रिप्टो करेंसी के जो प्लान आते हैं वो सिर्फ आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में पीडीएफ में उसका प्रोफाइल होता है, एक्चुअल में उसका कोई प्रोफाइल नहीं होता, और टोकन या क्वाइन के नाम पे आते हैं और जो दूसरे ब्लॉकचेन के यूज करके होते हैं, मतलब उनका अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं होता, तो वो उनका लाइफ कितना होता है, उनका लाइफ होता है मैक्सिमम 3 महीने से लेके और 18 महीने। और 2000 मैं भी लास्ट 2 ईयर से क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आया हूँ, इसके पहले मैं दुनिया के नामी कंपनी में मैं 2 बार फॉरेन ट्रिप अचीवर हूँ और जो प्रोडक्ट बेस्ड थे, तो मैं क्रिप्टो से डरता था और जब मैं इसमें आया तो 2-3 जगह मैंने धोखा खाया, तो बाद में धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि मैक्सिमम जो प्रोफाइल है वो पीडीएफ पे ही रहता है, यहाँ पे कंपनी का सीईओ आपके पास अवेलेबल है, वीक मंथ में 2 बार फिजिकली आपको जूम पे आके दिखाते हैं, अगले महीने मुंबई में 11 से 13 नवंबर को सेमिनार होने जा रहा है जिसको क्वालिफिकेशन के लिए कुछ क्रिटेरिया है, वो क्रिटेरिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो जो लोग भी क्वालिफाई होते हैं उनसे फिजिकली बात कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इस कंपनी का फिजिकल बिल्डिंग अवेलेबल है, उसी तरह इस कंपनी के फिजिकल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, और वो प्रोडक्ट कौन से हैं, आईएम पल्स, BSM, HIDR, Minter, Whisper and Operating System, OS. तो IM Pulse अभी इंडिया में इसका अवेलेबल नहीं है, इसका NFT अवेलेबल है, एंड BSM and HIDR और Minter जो है ये 3 प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, Whisper जो है ये WhatsApp जैसा एक एप्लीकेशन है, एंड OS जो है ये जैसे आप विंडोज में
अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज 10 यूज करते हैं, उसके पास उसके पहले लिनक्स यूज करते थे या विंडो 7 यूज करते थे, फिर विंडो 10 आया, फिर अभी 11 में हम लोग काम कर रहे हैं। तो वैसे ही इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और इसको भेदना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो अभी हम ये जो भी फिजिकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे कि ये फिजिकल प्रोडक्ट जो है उस वो क्यों हमको यहाँ से लेना है। अगर मार्केट में हमारे पास एप्पल है, सैमसंग है, डेल है, एचपी है, तो क्यों लैपटॉप हम क्रिप्टो डाटा से लेंगे। तो ये चीज पहले हमें यहाँ पे देखेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और मार्केट से आप मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा और आप इसका कंपेरिजन आप खुद कर लीजिएगा। और चूंकि ये प्लान मुझे हिंदी में बताने के लिए बताया गया है, इसलिए आज मैं आपको इस जो BSM लैपटॉप है इसके हिंदी में ये पूरा आपको चीज यहाँ पे दिखाई देगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज अवेलेबल है। हाँ, ये इसमें वाईफाई है, जो नॉर्मल एक लैपटॉप में ब्लूटूथ वाईफाई रहता है वो सब तो है, वो चीज मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन क्या स्पेशल जो है वो चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। इस मोबाइल में इसका सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर है वो सारे चीज सुरक्षित है। तो और उसके अलावा इसमें क्या है, सॉरी मैं ये आपको राउटर का आ गया, मैं आपको लैपटॉप का पहले दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर सुरक्षित है, इसका सॉफ्टवेयर सुरक्षित है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सुरक्षित है, दूर संचार जो कम्युनिकेशन करते हैं, डाटा स्थानांतरण मतलब जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, गोपनीयता, सिक्रेसी बोलते हैं, वो सारे चीज यहाँ पे सुरक्षित है। उसके बाद ये लैपटॉप में ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक OS रहता है, एक क्रिप्टो डाटा का OS रहेगा और दूसरा जो है वो जेनरिक OS, मतलब जो आप विंडोज 10 या लिनक्स जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखिए इसका जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो 256 GB का है, एंड देन और ये पूरा मेटल का बना हुआ है और ये 180 डिग्री इसको फोल्ड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और इसमें देखिए अंधेरे में काम करने के लिए भी इसको बनाया गया है और वास्तविकता गोपनीयता कल्पना से परे है, मतलब इसमें से कोई इसको हैकर हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS वो ब्लॉकचेन पे बना है, तो नेचुरली उसको हैक करना असंभव है। और इसको आप निजी कंप्यूटर जैसा भी आप यूज कर सकते हैं एक्शन, एंड ये बहुत जल्दी इसको स्विच ऑन कर सकते हैं, एंड देन सामान्य OS ये इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया। वाईफाई है, NFC है, ब्लूटूथ है, एंड अभी देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये यूनिक चीज है जो आपने कभी किसी लैपटॉप में नहीं देखे होंगे। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो है ये लैपटॉप में आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं की। और ये की जो है ये अगर की आपने निकाल दिया तो इस लैपटॉप को कोई भेद नहीं कर सकता, और इसमें टोटल बहुत सारी सेफ्टी सिक्योरिटी दी गई है इसमें। ये भी है, देखिए फिंगरप्रिंट भी अवेलेबल है, और मार्केट में अगर कोई भी ऐसा लैपटॉप जो फिंगरप्रिंट जिसमें अवेलेबल है अगर लेते हैं तो मान के चलिए कि उसका दाम आपको 80-90 हज़ार के ऊपर ही मिलेगा, कोई भी अच्छा अगर लैपटॉप इस कंपैरिजन का, इसी कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप लेते हैं तो। तो थोड़ा समय दे दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूं ये जो मार्क किया हूं। और ये सेफ्टी की है, तो ये सेफ्टी की अगर आपने निकाल दिया तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता। और यहाँ पे काफी सारे देखिए ये इस कंप्यूटर का मेन मकसद ये है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि आज के डेट में हम ट्रांजेक्शन करते हैं ATM से या कोई वैलेट से, तो वहां पे आपके कार्ड से डाटा
चोरी हो जाती है और कुछ दिन बाद आपके अकाउंट से पैसे कटने लगते हैं। तो वो चीज यहाँ पे आपको होने वाला नहीं है अगर आप इसके क्रिप्टो डाटा का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज करते हैं। तो दूसरा आएगा, हम आप मोबाइल के बारे में बात करेंगे कि इसके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए, जैसा कि लैपटॉप पे मैंने बताया कि इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सुरक्षित है, वैसे ही यहाँ भी मोबाइल के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारे सुरक्षित है। दूर संचार मतलब कम्युनिकेशन से सुरक्षित है। और ये देखिए, इसका डिजाइन जो है वो गोरिल्ला ग्लास है, इसमें एक साहसी नया डिजाइन मतलब गोरिल्ला ग्लास है। और इसका जो डिजाइन है, लुक जो है काफी अच्छा है। ये मोबाइल जिन्होंने लिया है बहुत स्वाभिमान, उनको बहुत अच्छा प्राउड फील करते हैं। मुंबई में हम लोग मिले थे तो जिन लोगों के पास ये मोबाइल था वो काफी खुश नजर आ रहे थे। तो ये जल्दी से जल्दी आप मोबाइल ले सकते हैं। और ये मोबाइल लेने के कारण क्या है, इस लेने के कारण ये है कि इसमें 48 MP सोनी का मेन कैमरा है और 24 MP सोनी इन स्क्रीन कैमरा एंड 16 MP वाइड एंगल कैमरा भी। तो ये इसी अगर 48 MP सोनी का कैमरा जिस मोबाइल में है उसका कॉस्ट 50-60 हजार से ऊपर ही है, तो इस मोबाइल का कंपैरिजन आइदर वन प्लस के प्रीमियम फोन जिसकी कीमत 60 हजार से ऊपर है या एप्पल से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मोबाइल मतलब आप फोटो खींचने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए वो सब यूज करिए। उसके अलावा भी आपको कोई एक चीज मिलती है। ये यहाँ से क्यों खरीदें ये प्रोडक्ट, उसके लिए हम आते हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो है ये है मिंटर। अभी मिंटर में क्या है कि इसमें 1000 जाइडन कॉइन मिलता है, लॉक्ड जाइडन कॉइन, आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन सोचिए कि अगर बिटकॉइन का जो माइनिंग कर रहा है आज के डेट में, उसको 20 लाख रुपया लगाने होते हैं। और जाइडन ये क्रिप्टो डाटा का एक ब्लॉकचेन है जिसका नाम है जाइडन, और वो जाइडन क्वाइन भी है। जाइडन क्वाइन को माइनिंग करने के लिए, जिस तरह बिटकॉइन का माइनिंग करने के लिए आपको उसमें बहुत सारे फिजिकल कार्ड्स लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और 20-25 लाख रुपया लगाएंगे तब जाके मंथली आप 1-2 लाख रुपया कमा लेते हैं। यहाँ पे अगर ये कंपनी अपने प्योर ब्लॉकचेन का क्वाइन का माइनिंग करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट दे रही है और जिसकी कीमत बहुत ही कम है, और साथ में अगर कंपनी अगर आपको बोले कि 1000 जाइडन कॉइन खरीदना है, मतलब $40,000 अगर आपको लगाना है, अराउंड 35 लाख रुपीज अगर लगाना है, तो हमने से कितने लोग होंगे जो माइनिंग कर लेंगे? अगर ऐसा पॉसिबल होता किसी ब्लॉकचेन का माइनिंग करना, तो अभी तक हम लोगों में से, आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन, इथेरियम या किसी एंट्रॉन का माइनिंग आप किए हैं, जो लीगल, जो बढ़िया ब्लॉकचेन है? ऐसे तो बहुत सारे टोकन और क्वाइन आते हैं जिसका माइनिंग के नाम पे बहुत सारे लोग बहुत धंधा बना के और रफो चक्कर हो जाते हैं, तो वो नहीं। अब मैं सिंपल क्वेश्चन है, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन का अगर आपने माइनिंग किया है तो उसका कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है? तो एग्जैक्टली यहाँ भी ये क्रिप्टो डाटा का जो ब्लॉकचेन जाइडन क्वाइन है उसको माइनिंग करने के लिए 1000 जाइडन क्वाइन मैंडेटरी है, और ये कंपनी आपको लॉक के रूप में 1000 क्वाइन फ्री में देती है। मतलब आपको कोई पूंजी लगाने की, बहुत ज्यादा कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं, अब बगैर इतना पूंजी लगाए आप इसको माइनिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें 1000 जाइडन आपको मिलता है, 1000 जाइडन क्वाइन फ्री में मिलता है जिसे आप माइनिंग कर सकते हैं। और इसकी एक और खासियत यह है कि इसके साथ 10 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, 10, कोई भी 5 लैपटॉप और 5 मोबाइल, या 6 लैपटॉप 4 मोबाइल, या 2 लैपटॉप 8 मोबाइल। तो ये सारे जो माइनिंग का जो पैसा है वो राउटर में ही आएगा। अब मैंने आपको बताया कि राउटर काम आता है माइनिंग के लिए, और इसमें मोबाइल और लैपटॉप कनेक्ट होता है, तो पूरा पैसा इसमें राउटर में ही आएगा। तो इतना महंगा मोबाइल HIDR और BSM लैपटॉप हम यहां से क्यों खरीदें? तो मैं आपको बता दूं कि
आप इसके पहले जो लैपटॉप आप खरीद रहे थे, इसके पहले आपने जो भी लैपटॉप खरीदे हैं, क्या वो लैपटॉप आपको एक साल में आपको 5 रुपया, एक साल के बाद आपको कंपनी आके बोली हाँ सिंस लास्ट 5 ईयर्स यू आर यूजिंग माई एचपी लैपटॉप, सो एचपी कंपनी हैज गोइंग टू गिव यू वन सरप्राइज गिफ्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट $1,000। ऐसा तो कभी मैं भी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं भी फोन यूज कर रहा हूँ, एप्पल का फोन या सैमसंग का या प्री कोई फोन आप यूज करते हैं, और कंपनी आपको बोलती है कि अच्छा ठीक है आपने ये मोबाइल फोन हमसे लिया, एप्पल का फोन लिया 1,60,000 में, 80,000 का आप क्वाइन ले लो और 80,000 का क्वाइन या अगले साल आप रिडीम कर लेना। ऐसा कहीं ऑफर आपको मिला क्या? ये कंपनी आपको इस महीने ऑफर देती है, मतलब कहने का मतलब आम का आम और गुठली का दाम। आम तो आप खा ही लो और गुठली उतने में बेच दो जितने में आपने आम खरीदा था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आम का आम गुठली का दाम। आम तो आप खा लिए मजे ले लिए और गुठली आप उतने में बेचो जितने में आपने आम खरीदा था। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो मोबाइल और जो लैपटॉप आप खरीदेंगे ये आपको पर्सनल जो भी यूज करना है वो तो करिए, लेकिन इस महीने ऑफर है। अगर ये लैपटॉप 899 का है, 899 का है, तो आप इसको कुछ क्वाइंस दे रहे हैं जो 50% कैशबैक के रूप में आपको जाइडेन क्वाइन मिल रहा है, जिसका 899 अगर आप पे कर रहे हैं तो 449 के आसपास आपको जाइडेन क्वाइन का $449 का आपको जाइडेन क्वाइन दे रहे हैं, और उसको एक साल बाद आप रिडीम कर सकते हो। अगर इसका रेट डबल हो गया, कंफर्म डबल ट्रिपल होगा, अगर डबल हो गया तो लैपटॉप का तो पूरा पैसा आपको ऐसे ही आ गया। और ये मैं बात कर रहा हूँ इस महीने जो कैशबैक 50% दे रहा है वो। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये लैपटॉप आप खरीदते हैं तो पूरे लाइफ टाइम जब तक ये लैपटॉप सेफ आप रख रहे हैं अपने घर में, हर एक मंथ आपको 2500 से 3000 रुपये के बीच में पब्लिक माइनिंग के रूप में आएगी। दो तरह के माइनिंग है, उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मान के चलिए कि पर मंथ 3000 से 4000 रुपये आपको आएगा। मोबाइल खरीदेंगे तो पर मंथ से 2500 से लेके और 3000 रुपये आएगा। तो मुझे ये बताइए, अगर ये सारे इंफॉर्मेशन आप अपने रिलेटिव्स और आप अपने दोस्तों को और आप अपने दुश्मनों को भी, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा आपका दुश्मन है जिसको अगर आप लैपटॉप खरीदवा देंगे और उसको पर मंथ 4000 रुपया भी आएगा और आधा क्वाइन के रूप में जाइडेन में भी मिल जाएगा, और आप चाहते हैं कि नहीं उसका भला ना हो, उसको छोड़ के, आपका जो दुश्मन है उसको छोड़ के, अगर बाकी आपका कोई फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, उस सबको बताते हैं, तो ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये लैपटॉप और मोबाइल नहीं खरीदेगा? ये लैपटॉप और मोबाइल इस महीने इजिली आप सेल कर सकते हो अगर आप बताते हो। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट खरीद के यूज करना पड़ेगा। क्यों क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये आप प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा? क्योंकि आप एक मिर्ची खरीदते हैं मार्केट से, सब्जी खरीदते हैं, तो वो सब्जी खरीदते हैं तो क्या करते हैं, वो गोभी को उठा के देखते हैं सड़ा हुआ है कि क्या नहीं, जो सड़ा हुआ वो नहीं लेते हैं। मिर्ची देखते हैं सूख गया है, आज का फ्रेश रहे तो नहीं लेते हैं, फ्रेश है तो लेते हैं, अगर थोड़ा सूखा हुआ है तो नहीं लेते। नेचुरली जब आप ये फिजिकल प्रोडक्ट जब आप लेंगे, टच करेंगे और फिर दूसरे को टच करवा के दिखाएंगे कि हाँ ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ये क्रिप्टो डाटा की कंपनी है जो लैपटॉप और मोबाइल देती है और मंथली उसे 3000, 4000, 5000, 10000 रुपया आता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं खरीदेगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सोचते हैं कि पहले मैं नहीं खरीदूं और फिर दूसरे जिसको बताऊं वो खरीद ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था आज से 10 दिन पहले। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर अप्लाई करिए इसको। तो ये क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, और ये सारे सर मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल, सॉरी अर्जेंट कॉल था। तो अभी ये यहाँ पे आप ये प्रोडक्ट आप ले करके और दूसरे को रेकमेंड कर देंगे, और ये तीनों राउटर मोबाइल और मिंटर लेने के बाद
मजा आता है अगर आप इसके रिवार्ड्स को देखते हैं तो। हाँ, इससे पहले कि मैं इसके रिवार्ड्स बताऊं, मैं इसके थोड़े ब्लॉकचेन के बारे में बता दूं कि क्रिप्टो डाटा जो ब्लॉकचेन बनाई है उसका नाम है जाइडन, और ये जो जाइडन ब्लॉकचेन है इसका प्राइस कितना है। और जो नए लोग हैं उनके उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जो नए लोग हैं थोड़ा मैं इसके डिटेल्स में बताया था। देखिए टोटल दुनिया में क्रिप्टो की जो संख्या है ये है 21,408 और एक्सचेंज जो है 527 और मार्केट कैप कैपिटल जो है इतना है, 24 आवर्स वॉल्यूम इतना है। हाँ, ये ETH है और इसका जो है जाइडन कॉइन का जो प्राइस है कि यहाँ पे है 37। हाँ, अभी मैं थोड़ा नीचे लेके चलूंगा, उसके लिए मुझे सब क्लियर करना पड़ेगा। अभी लास्ट 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है ये आपके सामने है, एंड देन ये अगर आप पूरा ऑल जब से ये ब्लॉकचेन स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक कितना हाई गया है और कितना लो गया है, तो आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ 52 दिखे, बट एक्चुअल 60 में है, 60 इसका हाई है, जो लो है वो 22 है। जब मैं ये बिजनेस में आया था उस समय $26 था और अभी ये 37 में, जून में मैंने स्टार्ट किया था, जून में खरीदा था और जो मैंने राउटर स्टार्ट किया था वो जुलाई में लगाया था प्रोडक्ट आने में। और इसमें टोटल दुनिया के 5 बड़े एक्सचेंज जो है, बिटमार्ट हो गया, वाइट बिट हो गया, एंड देन डीजी कनेक्ट हो गया और ला टोकन है, ये 5 दुनिया के 5 बड़े एक्सचेंज में ये लिस्टेड है और इसका वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर पूरा डिटेल्स अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा लो हाई का भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो ऑलरेडी मैंने कवर किया। तो ये ऐसा कॉइन है जो बहुत ज्यादा इसका फ्लक्चुएशन नहीं होता, मैक्सिमम टाइम में ये स्टेबल रहता है, जस्ट लाइक USDT लाइक ये बिहेव करता है। हाँ, जैसे आपको लगता है कि जैसे आपको देखने में लगेगा जैसे ये डाई कॉइन के बारे में सुने होंगे, USDT के बारे में सुने होंगे, जो कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये इसका भी हालांकि ये कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन ये कॉन्स्टेंट जैसा बिहेव करता है। तो इसके ब्लॉकचेन के बारे में हमने जाना और अभी हम जान लेते हैं कि इसी ब्लॉकचेन के अगर लैपटॉप मोबाइल खरीदते हैं तो इस ब्लॉकचेन से हमको कितना मंथली रिवार्ड्स मिलता है, कैलकुलेट करके दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, और प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क में क्या डिफरेंस है। प्रूफ ऑफ वर्क में जो ट्रांजेक्शन का लिमिटेशन है वो कम होता है, जैसे बिटकॉइन का जो है 6 ट्रांजेक्शन होता है एक सेकेंड में, लेकिन चूंकि वो पावर ऑफ वर्क पे काम करता है, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, और जो भी ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ स्टेकिंग पे है वो उसका ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होता है, गैस भी कम होता है। एंड देन प्रूफ ऑफ कनेक्टिविटी के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको, फिर दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको राउटर मिलेगा इससे आप टोटल 10 सिस्टम जो है वो क्रिप्टो वाला कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी अन्य कोई आपका लैपटॉप है, टीवी है, दूसरा मोबाइल जो है वो 50 सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन के बारे में हुआ, और अभी हम आपको लेके चलते हैं इसका कितना रिवार्ड्स मिलेगा मंथली। और एग्जैक्टली मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दूंगा, आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज क्लियरली बताऊंगा कि अगर आप लैपटॉप खरीदेंगे और राउटर खरीदेंगे तो कितना पैसा आपको आने वाला है। देखिए जैसे ही मैं राउटर पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे वाले जो नंबर्स लिखे हैं वो चेंज हो रहे हैं। देखिए अभी जैसे मैं इस पे क्लिक किया चेंज हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ देखिए वैलिडेटिंग पावर है, मैं पेन ले लेता हूँ मार्क करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए वैलिडेटिंग पावर है, अभी जैसे हमने राउटर पे क्लिक किया तो ये 49 हो गया, अगर BSN पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ और हो जाएगा। हाँ, तो अभी जस्ट यहाँ पे ये मैं आपको दिखा दूं, अभी देखिए BSN पे क्लिक किया तो चेंज हो गया, फिर HIDR पे किया तो चेंज हो गया। तो पहले राउटर का कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना पैसा आएगा। अब यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, एक प्राइवेट डिफिकल्टी और एक पब्लिक डिफिकल्टी। तो
प्राइवेट डिफिकल्टी क्या है और पब्लिक डिफिकल्टी क्या है। शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक डिफिकल्टी जो है ये आपको डेली निकाल सकते हैं, वीकली निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, ईयरली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट डिफिकल्टी में है, यहाँ पे अगर डेली मंथली वीकली निकालेंगे तो क्या होगा, 1000 जाइडन कॉइन जो आपको माइनिंग के लिए चाहिए उसमें से कम हो जाएगा तो माइनिंग रुक जाएगा। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो प्राइवेट डिफिकल्टी को प्रेफर करते हैं। इसका रीजन क्या है, ये मैन टू मैन, अलग अलग लोग अलग अलग चीज पसंद करेंगे। हाँ क्यों, कुछ लोग मिर्ची खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग चीनी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो डबल इनकम कमाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मंथ जो इनकम आएगा वो पब्लिक डिफिकल्टी का डबल आएगा। पब्लिक डिफिकल्टी में 0.82 है और इसका डबल है आपको पर मंथ में प्राइवेट डिफिकल्टी में। इसलिए कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म में जिनको मंथली पैसा नहीं चाहिए, उनको एक साल के बाद चाहिए, दो साल के बाद चाहिए, वो प्राइवेट डिफिकल्टी में डाल के पैसा ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ये पर ईयर का है। अभी मैं कैलकुलेटर लूंगा और कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राउटर लेने पे एक साल में या मंथली आपको कितना आएगा। तो थोड़ा मुझे समय दीजिए कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आ जाऊँ आपके स्क्रीन पे। और देन यहाँ पे कैलकुलेटर आ चुका है अभी, और अभी मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे पर राउटर का जो है पर ईयर का मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, मंथली आप खुद भी कैलकुलेट कर लेना। अभी यहाँ ऐसा है कि पर ईयर जो है 9.66 जाइडन है, तो 9.66 इंटू एक जाइडन कॉइन का प्राइस अभी आज के डेट में 37 चल रहा है, तो 37 किया मैंने तो $357 आ रहा है। एंड $357 ये अभी के रेट से है, ये आपको आएगा पब्लिक डिफिकल्टी में। हाँ, और आपने राउटर को खरीदा कितना में है, इसका प्राइस है 599। अब मैं प्राइस भी आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप खरीदेंगे कितना में और आएगा कितना में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको यहाँ शॉप में लेके चलता हूँ और शॉप में आपको लाइव प्राइस दिखा देता हूँ। ये मार्किंग को इग्नोर कर दीजिएगा और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट में। देखिए इसका दाम है 599, 699 and 899। तो मैं अभी का जो इस महीने का जो है उसके हिसाब से मैं कंपैरिजन करता हूँ। 539, 629 जो निकाला है वो जो लिखा है उसको मिटा देना। हाँ हाँ सर मिटा दूंगा, ये फिर दूसरा वो करूंगा तो फिर आ जाएगा वो। ओके जस्ट टेक इट। ओके तो अभी यहाँ पे देखिए प्राइस जो है राउटर का 599 है, बट इस महीने आपको 539 मिल रहा है। मैं आपको लास्ट में जो सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था मैं अभी देता हूँ, क्या पता उस समय तक कुछ लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो मैं आपको ये गिफ्ट बता देता हूँ, यहाँ पे वो सरप्राइज जो गिफ्ट था वो यही है, ये 539 में दिख रहा है। बट अगर आप अपने अपलाइन से इसी मंथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तुरंत आज और कल, ये कल तक के लिए वैलिड है, ये आपको 512 या 515 तक ये आपको मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, आपका अपलाइन व्यवस्था करके देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 629 का जो दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा $600 में। और 8089 जो दिख रहा है इसमें भी आपको 5% कम हो जाएगा। वो कैसे होगा, आप अपने अपलाइन से जो जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनसे पूछिए। और अगर कोई नहीं बताता है तो हमारे जो सबसे सीनियर इसमें है रमन सर, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो आपको ये कम करके दिलवाएंगे। तो ये सरप्राइज में आपको लास्ट में ना देके आपको बीच में ही दिया। तो ये प्रोडक्ट अभी मैं कैलकुलेट करूंगा इस मंथ के रेट से, तो ये 539 के रेट से मैं कैलकुलेट करूंगा, 539, 629 and 809। मैं यहाँ पे ये प्राइस आपको लिख देता हूँ।
इसका था 539 और इसका था 629 और इसका था 809। थोड़ा पेन मोबाइल का, मोबाइल का। हाँ ओके, ओ सॉरी उल्टा उल्टा लिख दे, उल्टा लिख दे। ओके सर, ओके। इसका है 629, इसका है 809 और इसका है 539। अब देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं। अब इस महीने जो खरीदते हैं उनके लिए कितना में मिलेगा? हाँ, आपने पैसा लगाया 539, हाँ, और आपको 357 आ गया, तो मतलब $350 आ गया। तो मान के चलिए 60 to 70% पैसा, मोर देन 70% पैसा आपको पब्लिक में आ रहा है। और अगर ये जो प्राइवेट में रख रहे हैं तो इसका डबल हो जाएगा। तो 357 इंटू 2 करिए तो कितना होगा? 714 होगा। और एक पॉइंट जो छूट रहा है, जो मैंने बीच में कवर किया था, अगर ये मोबाइल लैपटॉप और मोबाइल लैपटॉप और राउटर लेते हैं तो जो भी आप 539 परचेज करेंगे, 539 जो भी पेमेंट करेंगे उसका आधा आपको सेम टाइम मिलेगा, जिसको एक साल के बाद रिडीम कर सकते हैं। तो अगर यही रेट रहा तो इसमें और इसका 539 का आधा कितना होगा? मैं 250 ऐड कर लेता हूँ, प्लस 250 964 आएगा एक साल में। और हर एक महीने कितने आएगा? हर एक महीने तो एक साल का मैंने ऐड किया, तो ये एक साल में आपको 964 आएगा। आपने लगाया कितना? 539। और उसके बाद हर एक महीने आपको आता ही रहेगा लाइफ टाइम तक, जब तक आप इस राउटर को, मोबाइल को और लैपटॉप को सुरक्षित रखते हैं, कनेक्टेड रखते हैं, तो आपको हर महीने वो पैसा आता ही रहेगा। तो दुनिया में कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 50-60 हजार रुपए लगाएंगे पर मंथ 3 हजार रुपए आएगा? और दुनिया में कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें 1,60,000 रुपए लगाएंगे तो हर एक मंथ 12,000 रुपए आएगा, मतलब तीनों मोबाइल एक साथ लेते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे फिर मैं आगे वाले का भी कंपेरिजन कर देता हूँ। अभी लैपटॉप का देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक साल में मिलता है 16.36 जाइडन कॉइन। तो कैलकुलेटर लेते हैं यहाँ पे और 16.16 36 इंटू 37 ये आपको आएगा। मंथली निकाल सकते हैं, जो ईयरली, ये डेली, मंथली, वीकली निकाल सकते हैं। एक साल में आपको 605 आ रहा है, आप लगा कितना रहे? 809। और अगर इसको प्राइवेट में डाल दीजिए तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो आपको कितना आ गया? 1210। लैपटॉप आपने कितने में खरीदा था? 809 में। अब मुझे ये बताइए, आप अभी तक जितना मोबाइल लैपटॉप खरीदे, कौन सी कंपनी आपको एक साल में उस पूरे लैपटॉप का दाम भी दे दिया, आपको एक बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी भी दे दिया? आप खूब वो एप्पल का खूब एडवर्टाइजमेंट किए, 14 प्रो ले लीजिए, 13 प्रो ले लीजिए, हाँ, आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर यही मोबाइल यहाँ से अगर आप बताते हैं तो आपको इतना पैसा आने वाला है, और ये पैसा हर एक साल इतना आता रहेगा। जो पहले जो काउंट किया 16.36 जाइडन कॉइन है, वो आपको लाइफ टाइम आएगा। अगर प्राइवेट में डालते हैं तो 33.25 लाइफ टाइम आएगा। ये मत सोचिएगा कि एक साल बाद बंद हो जाएगा, आपका पैसा आ गया तो लैपटॉप बंद का काम करना बंद, मंथली इनकम नहीं आएगा। आएगा मंथली इनकम, मैं एक साल का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। और अभी इसमें जो 50% कैश बैक दे रहा है जाइडन कॉइन, वो मैंने ऐड नहीं किया, वो ऐड कर लो तो 800 का 400 इसमें और ऐड करो तो प्लस 400। अगर 37 का रेट रहा तो 1610 आ रहा है। और ये 37 के रेट से मैंने काउंट किया, मैं जब ज्वाइन किया था जून में और जुलाई में, मान लीजिए जुलाई अगस्त ही मान लीजिए,
तो लास्ट टू मंथ में $10 के आसपास बढ़ा है, तो अगले एक साल में अगर हर एक 2 महीने में $10-$10 बढ़ता है तो $100 तो टच करेगा ना अगले एक साल में। तो इसका इसका पैसा इसका 16 से 10 × 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3221। और अगर इस तरह से आप किसी को समझा देते हैं तो कौन ऐसा महानुभाव होगा जो आपसे इस कंपनी में ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे ज्वाइन करे या ना करे, इन्वेस्ट जरूर करेगा, लेकिन अगर इस तरह से आप सब प्यार से समझाते हैं तो। और साथ में आपके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसी गलती मत करिए मैं खरीदूंगा नहीं बाकी सब लोग खरीद लें, तो उस तरह होने वाला नहीं है। बाकी तीसरा जो है मोबाइल, इसका कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे है, और ताकि मुझे और आगे चीज भी बतानी है इसलिए मोबाइल का मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। एग्जैक्टली इसका भी उसी तरह आएगा, मतलब अगर पब्लिक में 50-70% आएगा, प्राइवेट में 20% ज्यादा आता है जो आप परचेज करते हैं, मतलब 120-130% तक आता है। और इस महीने अगर आप खरीदते हैं तो उसका आधा कॉइन मिल रहा है, वो अलग से ऐड कर लीजिएगा। तो मैं रिवार्ड्स को यहीं पे कंप्लीट करता हूं, और यहां तक ये प्लान ये सेशन उन लोगों के लिए था जो लोग इन्वेस्टर और नेटवर्कर दोनों है। अभी इसके बाद जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्कर के लिए है। तो जो कोई ऐसा सोचते हैं कि अगले सेशन, अभी यहाँ से आगे जो सेशन हम जो बात करेंगे, अब अगर ऐसा कोई किसी कोई व्यक्ति है जिसको एडवर्टाइजमेंट करने में शर्म आती है, अमिताभ बच्चन को कोई भी ऐड कर सकता है, अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर का ऐड कर सकता है, शाहरुख खान कोई भी चीज का ऐड कर सकता है, लेकिन आप एक दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो लोग जो ऐड करते हैं उसको वो यूज नहीं करते, फिर भी उसको प्रमोट करते हैं और पैसे कमाते हैं, और चूंकि वो उनके पास पैसा ज्यादा है इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट करके भी पैसा कमाना चाहता है। लेकिन हम लोग के दिमाग में क्या होता है, मैं ऐसे कैसे किसी को बताऊं कि ये लैपटॉप खरीदो, हाँ मेरा तो इंसल्ट हो जाएगा, हाँ वो सोचेगा कि इसको कुछ फायदा है। भाई जितने लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, वो पार्ट टाइम में काम भी करना पसंद करते हैं, वो बहुत बिजी है उसके बावजूद भी टाइम निकाल के और पार्ट टाइम में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ चीज बेचते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास MCA बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, ये मिडिल क्लास फैमिली का क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ये जल्दी हायर क्लास फैमिली में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि मेरा जॉब से आ रहा है और मैंने एक घर ले लिया, मैंने एक कार ले लिया, अब बस यही काफी है। हाँ मतलब वो जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देते हैं। हाँ कभी भी लाइफ में जरूरत पड़े तो कमा लगाओ, फुल स्टॉप कभी भी लाइफ में नहीं लगाना चाहिए। हाँ तो जो लोग फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं अपने लाइफ में, यहाँ से वो सेशन छोड़ सकते हैं, और जो लोग कॉमा लगा के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स प्लान के बारे में अभी आपको बात करूंगा। और ये डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स प्लान, एक कंपनी की खासियत यह है कि इसमें एक बार आप ज्वाइन करिए आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट लोगों को इमिटिंग, आपको प्लान दिखाने नहीं आता कोई बात नहीं, आप ये जूम लिंक है एवरीडे हिंदी तेलुगु इंग्लिश, आपको जिस भाषा में चाहिए कन्नड़ आप रिक्वायरमेंट डालिए, आपको दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में आपको दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इस बिजनेस की खासियत यह है कि आपको अलग से कोई प्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं, और मेरा भी कंप्यूटर में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसमें कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे आते हैं जिनको PPT बनाने नहीं आता, उनके लिए यहाँ पे shop.zixzar.net पे क्लिक करें और अपने ID से लॉगिन करें, एंड देन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स करके है, डॉक्यूमेंट्स जो टैब है लेफ्ट साइड में, वहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट आता है रीड मोर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम सेल्स प्रोग्राम, इस पे क्लिक करेंगे तो PDF फाइल खुल जाएगा, और हिंदी इंग्लिश उर्दू फ्रांस में जो भी लैंग्वेज में आप पसंद करते हैं वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो प्लान आपको हाजिर हो जाएगा, और फिर आप यहां से आसानी से लोगों को प्लान दिखा सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो यहां पे ये प्लान कैसे है, सबसे पहले जो इनकम है इसमें वो है डायरेक्ट सेल्स। कितना मिलता है डायरेक्ट सेल्स, मतलब जिसको आपने अपनी ID के लेफ्ट और राइट लिंक से किसी को ज्वाइन कराए, चाहे लेफ्ट में ज्वाइन कराएं या राइट में ज्वाइन कराएं, अगर आपके लिंक से ज्वाइन हुआ है तो उसको डायरेक्ट सेल्स बोलते हैं,
और वो डायरेक्ट सेल्स का 10% आपको मिलेगा। इस महीने थोड़ा और ज्यादा गया है, 5% का जाइडन कॉइन भी मिल रहा है, तो इस महीने आप सोच लीजिए 15% तक मिलेगा। अब ये 15% मतलब जिसके पहले मैं मैंने बताया 2-3 बार की जुलाई से ज्वाइन किया हूँ, इस महीने में जितना ऑफर है इतना ऑफर मैंने कभी नहीं देखा। तो अभी तक जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, आईडी फ्री वाला बना के रखे हैं, रजिस्टर करके रखे हैं, तो इसलिए इस मंथ में चुके नहीं, तुरंत लें, बहुत सारा ऑफर है, फुल ऑफर है। बाइनरी बोनस आपको 7% मिलेगा इसके लिए, लेकिन कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है इसके लिए, कंडीशन है नीचे देखिए, मिनिमम आपका पैकेज 199 का परचेज होना चाहिए, आपके द्वारा लेफ्ट एंड राइट में एक एक डायरेक्ट सेल्स होना चाहिए, बाकी फिर ऊपर से भी आ रहा है, अपलाइन के द्वारा स्प्लिट होके भी आ रहा है, तो आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको डायरेक्ट 2 लोग ज्वाइन होने चाहिए। और इसके लिए कंडीशंस क्या है, ज्यादातर लोग डाउट में रहते हैं कि यहाँ पे कैसे होता है, तो ये जो आईडी है ये आपका 200 से ऊपर का होना चाहिए, परचेज होना चाहिए। ये यहाँ जो 10,000 वॉल्यूम है आपके नीचे, कोई भी एक बंदा डायरेक्ट के माध्यम से 200 का वॉल्यूम होना चाहिए, फिर लेफ्ट में भी 200 का वॉल्यूम होना चाहिए डायरेक्ट में। अगर ये एक क्रिटेरिया फुलफिल करते हैं, 200 से ऊपर का कोई एनएफटी या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप बाइनरी के लिए लागू होता है, मतलब यहाँ पैकेज 199 से कम लेंगे। अभी इस महीने जो $200 का पैकेज है, अगर वो परचेज करते हैं तो उसमें डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट में $20 डिस्काउंट है, तो 180 में हो जाएगा। तो जो लोग अगर ये 180 से परचेज करते हैं तो उनको बाइनरी इनकम नहीं मिलेगा, इसलिए जो लोग भी ज्वाइन करते हैं और उनके पास पैसे की दिक्कत है, तो कम से कम 270 वाले आईडी से, 200-300 वाला एनएफटी से ज्वाइन करें जिसका प्राइस 270 है। तो अभी यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, ये कैसे इनकम चालू होगा, ये बाइनरी इनकम जो है लेफ्ट में या राइट में 1:2 से आपको मिलता है, या तो 2:1 या 1:1, माफ करिएगा यहाँ मेरा एक पेन आज थोड़ा बढ़िया से काम नहीं कर रहा। तो ये अभी जैसे इस साइड में है 12,000 वॉल्यूम और इस साइड है 20,000 वॉल्यूम, तो 12,000 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12,000 में अगर 2 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 24 आएगा, या इधर राइट साइड में 24 है नहीं, तो 20,000 में हम 2 से भाग देंगे। एग्जैक्टली यहाँ नीचे देखा है, देखिए वो सेम चीज यहाँ पे लिखा है, 20,000 में 2 से भाग देंगे 10,000 होगा। अब ये 10,000 जो है, ये जो 10,000 है, ये 10,000 लेफ्ट से माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 2,000। ये 10,000 अगर इसमें से माइनस करते हैं, दस हजार माइनस करते हैं 12,000 में से, तो कितना बचा इधर, 2,000 हो गया, और इधर कितना हो गया, इसमें से इधर का 20,000 निकल जाएगा, इधर 2:1 हो गया, इधर 1:1 हो गया, इधर का 1:2 के हो गया। अभी 10,000 का 7% आपको यहाँ जो नीचे जो कैलकुलेशन में लिखा है, $700 आपको मिल जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता तो आपको क्या करना है, जिधर हायर है, ज्यादा पॉइंट है, उसको 2 से भाग देना है, और वही चीज जिधर कम है उतना माइनस कर देना है, तो उसका 7% आपको आएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो सेशन खत्म होने के बाद आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ और फिर आगे चलते हैं कि बाइनरी एंड देन ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस आपको 7 लेवल तक मिलता है, फर्स्ट लेवल से 10%, सेकंड से 5%, सॉरी सेकंड से 7% एंड थर्ड टू 7 लेवल तक आपको 5% मिलता है।
अब ये मैचिंग बोनस होता क्या, इसके लिए लेकिन आपको मिनिमम एक लेवल क्वालिफाई होना होता है जिसका नाम है टोपाज। अब जैसे जो लोग आपके थ्रू स्पॉन्सर हुए हैं वो फर्स्ट लेवल कहलाते हैं, और जो लोग सेकेंड लेयर में आते हैं, जैसे ये इस बंदे के लिए ये जो है ये फर्स्ट लेवल है, और इस बंदे के लिए ये जो नीचे वाला है ये सेकेंड लेवल है, और इस बंदे के लिए जो ये नीचे वाला है वो थर्ड लेवल है। तो इससे आएगा आपको 10%, इसका जो भी इनकम होगा उसका 10% आएगा, इसका जो भी इनकम होगा उससे 7% आएगा, और इसका जो भी इनकम होगा उसका आपको 5% आएगा, ये 7 लेवल तक जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे। एंड देन अब यहाँ पे जो रैंक है आयरन ब्रॉन्ज सिल्वर प्लेटिनम टोपाज, इसका देखिए वीकली जो कैप है वो $4,000 है। मतलब आप अगर बहुत स्लो भी काम करते हैं और $4,000 वीकली अगर आता है तो आपको मंथली कितना होगा, 4 × 16 = $16,000, मतलब अराउंड 13 से 14 लाख रुपए आपको हुआ। तो ये बहुत अच्छा इनकम है अगर आप इसको जस्ट स्टार्ट करें बिजनेस। तो अब इसमें दो रैंक है, वो दो रैंक अचीव करने पे आपको क्या मिलता है, तो ये मायने नहीं रखता क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनकम है। आप कोई भी रैंक पे अगर $4,000 अगर आपको आ रहा है तो बहुत है, और जब आप $4,000 आएगा तो नेचुरली आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ये पॉइंट को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। काम की चीज पे हम फोकस करेंगे आज, कम समय में ज्यादा नॉलेज ले सकें उसके लिए हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आयरन रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आयरन के लिए $500 टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, और जो वीकर लेग है जिस तरह आप काम कर रहे हैं, या आपके लेफ्ट एंड राइट में एक साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है अगर ज्यादा लीडर हुए तो, और एक साइड वीकर होता है। हाँ, तो जो वीकर है उधर 250 होना चाहिए, जो स्ट्रॉन्गर है उधर $5 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको एक मंथ के अंदर करना है, अगर एक वीक एक मंथ के अंदर नहीं होता तो एक ईयर के साथ भी चलेगा, ईयर और मंथ का दोनों सेम है, और यहाँ तक आपको ईयर और मंथ का दोनों सेम रहता है, लेकिन इसके बाद ईयर और मंथ का थोड़ा चेंज होता है। देखिए यहाँ पे तो इसलिए आप अपने अपलाइन से बात करके, अगर आप इस पास में आस पास में कोई अचीवमेंट है आपका तो बात करके इसको पूरी तरह से समझ लीजिए और फिर आगे बढ़िए। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपको बता देता हूं मैं, इसमें दो रैंक है। दुनिया की पहली ऐसी नेटवर्क कंपनी है जो फिक्स इनकम देती है, मैंने अभी तक नहीं सुना कोई ऐसी नेटवर्क कंपनी है जो एक रैंक अचीव करने के बाद आपको फिक्स इनकम देती है, वो सिर्फ यहीं पे पॉसिबल है। और वो कौन सा लेवल है, यहाँ पे लेवल है एडवाइजर, और ये आप 6 महीने से 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। अगर 1 साल नहीं तो अगर 2 साल में भी अचीवमेंट करें तो मुझे ये बताइए कि $500 एडवाइजर को मिलता है और ये लाइफ टाइम मिलता है। $500 मतलब अराउंड 42,000 रुपीज हुआ इंडियन रुपीज में, 3 साल MBA करने के बाद 42,000 रुपया उसके जॉब मिलता है नहीं मिलता है आप अंदाजा लगा लीजिए, और कितना पैसा खर्च करते हैं उसके बावजूद भी नहीं मिलता। यहाँ पे 2 साल में अगर आप एडवाइजर रैंक अचीव कर लेते हैं, बहुत स्लो काम करते हैं, तो भी आपको 42,000 आपको लाइफ टाइम मिलता है। और एक अगला रैंक है, अच्छा ये जो $500 मिलता है बाकी जो इनकम है आपका उसको छोड़ के, यानी कि ये इनकम मिला तो बाकी इनकम बंद हो गया, नहीं। पार्टनर रैंक अगर आप अचीव करते हैं तो ये जो 500 मिल रहा था ये 1500 मिलेगा, और मेरी तरफ से ये $500 मिलेगा, मतलब मेरी तरफ से नहीं कंपनी की तरफ से, मतलब $2,000 आपको मिलेगा यहाँ पे अगर ये रैंक आप अचीव कर सकते हैं तो, और ये लाइफ टाइम मिलेगा जो आपको बाइनरी मैचिंग बोनस डायरेक्ट है उसको छोड़ के, ये अलग इनकम है, ये इनकम यूनिक है जो किसी भी कंपनी में आपने नहीं देखा होगा। तो ये पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और फिर मैं आपको लेके चलता हूँ फास्ट अगले स्लाइड में, और यहाँ से मैं थोड़ा और फास्ट जाऊंगा, समय की कमी है। और फिर यहाँ पे आप कोई भी रैंक अगर आपको अचीव करना है टोपाज के बाद तो आपको क्या डायरेक्ट 2 स्पॉन्सर करना बहुत ही जरूरी है।
आप प्लेटिनम तक रैंक अचीव करना आसान है, लेकिन जैसे सॉरी ये पहला रैंक है, आप ये रैंक अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट बोनस 10% मिलेगा, बाइनरी 7 मिलेगा, और देन लीडरशिप जनरेशन इसमें नहीं मिलेगा। अब देखिए डायरेक्ट बोनस जो है ये 7% रहेगा, बाइनरी बोनस जो है ये सॉरी डायरेक्ट बोनस 10% रहेगा और बाइनरी बोनस जो है ये 7% रहेगा। ये सारे रैंक में सेम रहेगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को कवर नहीं करूंगा। मैचिंग बोनस में आपको कवर करूंगा एंड देन मेन अवार्ड में कवर करूंगा। तो आप तीसरे और चौथे लाइन में ध्यान दीजिए, ये दोनों जो डायरेक्ट और बाइनरी जो बोनस है ये सभी रैंक में सेम रहेगा। तो अभी हम आते हैं अगले स्लाइड में, आयरन के बाद ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज में आप मेन अवार्ड में आपको कॉमन एनएफटी मिलेगा एंड देन सिल्वर में भी ऊपर वाला सेम, मेन अवार्ड में कॉमन एनएफटी मिलेगा, गोल्ड में कॉमन एनएफटी मेन अवार्ड में, एंड देन प्लेटिनम में भी कॉमन एनएफटी ही मिलेगा, एंड देन टोपाज में यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए यहाँ टोपाज रैंक एक अच्छा रैंक है अगर ये चीज आप अचीव कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए मिनिमम लेग वॉल्यूम जो है वीकर लेग में 8000 वॉल्यूम होना चाहिए, टोटल सेल्स वॉल्यूम 20,000 होना चाहिए, आपके नीचे दो गोल्ड होना चाहिए। अब दो गोल्ड बनाने के लिए आपको इनको एजुकेट करना पड़ेगा, और दो गोल्ड बनाने के लिए एक गोल्ड के लिए कितना बिजनेस होता है टोटल, जैसे अगर ये गोल्ड कोई बनता है तो गोल्ड बनने के लिए किधर किधर कितना बिजनेस होना चाहिए, एक साइड में टोटल बिजनेस वॉल्यूम $5,000 होना चाहिए और एक साइड में 2,500 होना चाहिए। प्रॉपरली अगर प्लान करके करते हैं और इस बंदे को गोल्ड बनाते हैं और इस बंदे को भी गोल्ड बनाते हैं तो दो गोल्ड बनाते हैं तो आप टोपाज बन जाते हैं, और जब गोल्ड बन जाएगा उसको इनकम चालू हो जाएगा तो वो बंदा फिर आपको रुकेगा नहीं। बट क्या करना है, आपको डायरेक्ट दो स्पॉन्सर करना है और फिर आगे बढ़ना है और दोनों को गोल्ड अचीवमेंट कराना है। तो यहाँ से जब आप इसमें जाते हैं अचीवमेंट लेते हैं तो मेन अवार्ड में आपको क्या मिलता है, बाइनरी और डायरेक्ट बोनस सेम रहता है, लेकिन यहाँ से फर्स्ट जनरेशन जो है मैचिंग बोनस 10% आपको अनलॉक होता है। मैं इसको मार करके दिखाता हूँ, ये 10% आपको मिलेगा मैचिंग बोनस, और एनुअल सिल्वर टिकट आपको मिलेगा, ये आपको कोई भी सेमिनार होगा वहां पे आपको एकोमोडेशन और ट्रैवल का खर्च देती है कंपनी, ये आप चीज अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार आप अटेंड कर सकते हैं। देन ये टोपाज बनने पे, तो इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। और आते हैं फिर अगले स्लाइड में, सफायर बनते हैं तो आपके नीचे दो प्लेटिनम होने चाहिए और यहाँ पे आपको 10% और 7% कितना मिलेगा, 17% आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। अब मेन अवार्ड में आपको आईपैड प्रो मिलेगा, एंड देन अगर रूबी बनते हैं तो आपके नीचे दो टोपाज होने चाहिए और मिनिमम वॉल्यूम जो है 24,000, टोटल सेल्स 60,000। ये ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आप टोपाज और ये टोपाज लेवल क्रॉस करते हैं और दो लीडर को गाइड करते हैं तो आप ये चीज ऑटोमेटिक अचीवमेंट करते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको रैंक है रूबी, इस आपके नीचे दो टोपाज होना चाहिए और यहाँ पे आपको आता है 10+7+5 मतलब 17.5-22%, और माउंट ब्लैंक पेन मिलेगा मेन अवार्ड में, एंड देन इमराल्ड बनते हैं, आपके नीचे दो सफायर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको चार जनरेशन तक आपको इनकम अनलॉक होता है, 10+7 और 10+7 17 और 5+5 10 मतलब 17 और 10 27%, और दो HIDR मोबाइल और दो लैपटॉप भी आपको मेन अवार्ड में मिलता है जिसकी कीमत 2.5 लाख के आसपास है, 2.5 लाख से ऊपर होगा INR में। एंड देन एडवाइजर जब बनते हैं तो आपको यहाँ पे जो मैंने आपको कवर किया अगर आप याद रखे हैं तो बताइए मुझे, ये 500 मंथली आपको मिलेगा यहाँ पे, और मैचिंग बोनस है 5 लेवल तक हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट देखिए कैसे करते हैं, ये 3 बार 5 है तो पंक्तियां 15 और ये 7 22 और 10 32% आपको मिलता है इस लेवल पे अचीव करने पे, और 500 मंथली मतलब इंडियन रुपीज में आपको 42,000 मिलता है। तो फिर आगे चलते हैं, डायमंड बनने के लिए आपके नीचे दो इमराल्ड होना चाहिए और यहाँ पे आपको मैचिंग बोनस 5 लेवल तक मिलता है मतलब 15 7 22 और 10 32। डायमंड क्रूज पर 2% मिलेगा आपको, एंड देन
ब्लू डायमंड बनने पे आपके नीचे दो डायमंड होना चाहिए, एंड देन यहाँ पे आपको देखिए 6 जनरेशन तक मैचिंग बोनस अनलॉक होता है। यहाँ पे आपको मिलता है 5 का 20, 7, 27 और 10 37% मिलता है, और हुबलोट वॉच मिलता है, दुनिया की सबसे महंगी घड़ी है। तो ये ब्लैक डायमंड बनते हैं तो आपके नीचे दो ब्लू डायमंड होना चाहिए, और यहाँ पे 7 जनरेशन तक आपको इनकम मिलता है। ये रैंक अचीवमेंट के बाद आपको जितने भी मैचिंग बोनस है वो सारे मिलते हैं, और इसमें 50, 25 और 7, 32 और 10, 42% तक आपको ये मिलता है मैचिंग बोनस। और मेसराती और मर्सिडीज दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं, जिसकी कीमत $60,000 है। और यहाँ पे क्राउन डायमंड बनते हैं तो आपके नीचे दो ब्लैक डायमंड होना चाहिए, एंड देन 10%, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया, 10 और 7 सेम रहेगा, ऊपर बाइनरी और डायरेक्ट बोनस। मैचिंग बोनस आपको 42% तक मर्सिडीज और ऑस्टन मार्टिन में से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या फिर कैश ले सकते हैं $1,50,000। एंड देन पार्टनर बनते हैं तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग है कि आपको 7 जनरेशन तक तो मिलेगा ही पैसा 42% तक, उसके अलावा $1,500 मंथली, और पार्टनर वाला जो था एडवाइजर वाला जो था वो $500 मतलब $2,000 यहाँ पे मंथली हो जाएगा। मैनेजमेंट बोर्ड में आपको प्लेस मिलेगा, चांस टू गेट कंपनी एंड प्रोजेक्ट शेयर्स, बहुत बड़ी चीज होती है किसी कंपनी का शेयर आपको मिलता है तो यहाँ पे एम्बेसडर बनेंगे तो आपके नीचे दो पार्टनर होना चाहिए। यहाँ देखिए मैचिंग बोनस इसके ऊपर 7 लेवल 42% तक रहेगा, लेकिन मेन अवार्ड जो है अपार्टमेंट इन दुबई मिलेगा, एंड देन यहाँ आपको रॉयल एम्बेसडर बनते हैं तो आपके नीचे 42% मैचिंग बोनस, हाउस इन दुबई जिसकी कीमत $4,00,000 होगा, और क्राउन एम्बेसडर जब बनते हैं तो आपके नीचे दो रॉयल एम्बेसडर होना चाहिए, और यहाँ पे आपको लग्जरी याच मिलेगा $7,00,000 का, मैचिंग बोनस सेम 42%। तो यहाँ पे इसके जो सेल्स प्लान है वो खत्म होते हैं। अब इसके अलावा इस कंपनी के वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूँ, जिसमें आपको इस मंथ मंथली ऑफर क्या क्या है वो सारी चीज मैं आपको कवर करूंगा। कल एक कमीशन एंड रैंक के बारे में ये चीज होगा, इसका आप लॉग इन करके वेबिनार एक्सेस पे क्लिक करेंगे, 1 day 20 hours आप काउंट कर लीजिए, शायद रात को नहीं ये परसों होगा, शायद 20 hours मतलब परसों होगा, ये परसों आप जरूर ये अटेंड करिएगा, जिसमें कमीशन एंड रैंक्स के बारे में होगा। एंड देन मैं आपको ए इंडिया में प्रोग्राम होने जा रहा है जो 11 से 13 नवम्बर के बीच में होगा, और इसमें आप फ्री भी हैं तो फ्री भी इवेंट है, आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें खाने पीने रहने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चीज अचीव करना है, मैं बाकी ऑफर के बारे में बात बताऊंगा, आपको बताऊंगा VIP प्रीमियम पास कैसे मिलेगा। इसके लिए देखिए इसमें दो चीज है, तीन चीज है, क्या करना है आपको, कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट सेल्स वॉल्यूम जो है 5000 का करिए, लेफ्ट राइट मिला के, आपका डायरेक्ट होना चाहिए ये दोनों में से कोई एक, या वीक लेग वॉल्यूम को $15,000 कर दीजिए, ये भी चलेगा, और ये दोनों में से कोई एक करना है, और ये जो लास्ट वाला है ये कंफर्म करना है, इसके कीमत कितनी है, 800 899 कुछ है, नहीं 809 है कुछ, 899 809 है, ये दिखा भी दूंगा मैं कितना है। तो ये VIP प्रीमियम पास आपके फ्लाइट का और वहां रहने का, खाने पीने का और एक्सेस टू द बिजनेस सेमिनार, ये तीनों चारों चीज कवर करेगा, और ये काम बहुत आसान है। हाँ ध्यान रखिए, अगर कोई भी आदमी ये चीज को क्वालिफाई करता है तो अपने आईडी से ये वाला जिग्सबॉर्ग में NFT जरूर कर दें, ऐसा नहीं कि नीचे अगर 15,000 का वॉल्यूम हो जाता है वीक लेग में, या डायरेक्ट सेल्स 5,000 का हो जाता है, तो ये परचेज करके VIP प्रीमियम जरूर लें। अभी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने पहले इसको कवर किया, एंड देन अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ये सारे ऑफर वन बाय वन। तो इस दूसरा जो ऑफर है वो सबसे बढ़िया ऑफर है, हाँ मैं जो सबसे अच्छा लगेगा वो पहले सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो
अब ये देखिए जो मैंने आपको कवर किया था, दूसरा बढ़िया जो ऑफर है इसमें 50% वैल्यू का जो भी आप ऑर्डर करेंगे उसका वी जाइडेन कॉइन, वी जाइडेन मतलब जाइडेन कॉइन है लेकिन उसको एक साल के बाद रिडीम कर सकते हैं, आपकी आईडी में अवेलेबल मिलेगा आपको। तो ये आपको ये दूसरा बढ़िया जो ऑफर है, जो भी आप सामान परचेज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे 50% आपको जाइडेन कॉइन में मिलेगा। मतलब आप $1,000 लगा रहे हैं, $10,000 लगा रहे हैं, $10,000 लगा रहे हैं तो आपको $5,000 का क्वाइन सेम टाइम आपके अकाउंट में दिखेगा, लेकिन उसको आप एक साल बाद रिडीम कर सकते हैं। सोचिए अगर एक साल के बाद वो क्वाइन का प्राइस अगर $100 गया तो आपने जितना पैसा लगाया था एक साल के बाद वो सिर्फ ही वी जाइडेन कॉइन जो आपको 50% कैश बैक मिल रहा है उसी से आपका अमाउंट रिकवर हो गया। जो मंथली आ रहा है वो अलग है, जो लाइफ टाइम मंथली आएगा वो अलग है। ये दूसरा सबसे बढ़िया ऑफर जो है, अब मैं बाकी ऑफर के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये बाकी ऑफर क्या है, ये देखिए अनलॉक योर एक्सेस टू इंडिया इवेंट, परचेज वन NFT पार्टी स्टार्टर, ये आगे चल के हम दिखा देंगे। इस पे इवेंट एक्सेस है, पार्टी एक्सेस है, मतलब आप वहाँ रहने का आपको नहीं मिलेगा, आपको बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें पार्टी एक्सेस है मतलब खाना वगैरह मिलेगा। तो जो लोग मुंबई में पास में है आप ये चीज भी NFT पार्टी स्टार्टर भी खरीद के कर सकते हैं। मैं दिखा दूंगा NFT पार्टी स्टार्टर का प्राइस कितना है, $139 या $134 कुछ है। एंड देन ये जिक्सटीम, इसके बारे में रमन सर कवर करेंगे, एंड ये दोनों ऑफर के बारे में भी रमन सर कवर करेंगे। एंड मैं बेसिकली ये जो मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो मैं आपको बताया। और ये अर्न 5% जाइडन डायरेक्ट सेल्स में मिलेगा, अर्न 3% वी जाइडन डायरेक्ट सेल्स में मिलेगा, अर्न एक्स देन एंड जाइडन एंड वी जाइडन फ्रॉम वीक लेग 2%, वीक लेग 3%, भरपूर ऑफर है। मैं कितना कैलकुलेट करूँ आपको, 5% क्रिप्टो करेंसी USDT से पेमेंट करेंगे तो आपको ऑफर मिलेगा, और 10% जाइडन कॉइन से मिलेगा। हाँ, लेकिन ये ट्रांजेक्शन करने से पहले अपलाइन से जरूर पूछें कैसे करना है, क्योंकि जाइडन कॉइन का दाम जो है ऊपर नीचे वॉल्यूम होता है, तो बेटर आप USDT को यूज करें। एंड देन ये अगर कोई भी सामान जो आप परचेज करते हैं लेकिन उससे पहले आपका डायरेक्ट सेल्स वॉल्यूम अगर 10,000 होता है तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे डायरेक्ट, देखिए कंप्लीट वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क, या तो डायरेक्ट सेल्स वॉल्यूम 10,000 का होना चाहिए, या वीक लॉग वॉल्यूम 25,000 का होना चाहिए, और दो जिक्सबोर NFT आप परचेज करते हैं, मतलब इन दोनों ऊपर दोनों में से कोई एक, और ये कंपलसरी। तो आप जो भी सामान परचेज करेंगे लाइक ये चीज टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने कंप्लीट किया और आपने $10,000 का, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा $20,000 का, और तब फिर आप रिवार्ड्स कैलकुलेट कर लीजिए कितना मिलेगा। तो जो आपको पब्लिक में 5% मिल रहा था वो 5 से 6% वो 12% हो जाएगा, और जो प्राइवेट में आपको 12% मिल रहा था वो 24% हो जाएगा। तो इस महीने आप ऑफर की भरमार है आपके पास, क्या आप तैयार हैं उस भरमार में अपने ऑफर को ले सकें और बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और बीच में पेन कुछ अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, और यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू रमन सर, हैंड ओवर टू रमन जी। थैंक यू सो मच सुनील जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा। अभी देखिए सर, अब आज हम लोगों को नवंबर 11 का जो